हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा आपका जस्ट फिजिक्स चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स की क्लासेस देता हूं। फ्री क्लासेस है ये और क्वालिटी बिल्कुल वही है जो आपको डिजायर्ड है, बिल्कुल लो लेवल नहीं है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो बड़ा कॉमन है उन सारे बच्चों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं या देते हैं। उनका एक कंसर्न रहता है कि यार एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं होता, घर आते ही हो जाता है। ये 100 में से मुझे लगता है 90 बच्चों के साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट 99 बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये मत सोचिए आप अलग हैं, बिल्कुल ये सबके साथ होता है। हाँ, किसी के साथ ज्यादा होता है और किसी के साथ कम होता है। तो अब ज्यादा होना है आपके साथ या कम होना है, ये आपको डिसाइड करना है। अच्छा, आप सोचो डिसाइड करने से क्या होगा? डिसाइड करने से नहीं होगा, बट वो जो एग्जामिनेशन में कुछ सही हो जाए उसके लिए एक प्रोसेस होता है। बड़ा सरप्राइज हो गया, बुरा भी लग सकता है आपको। ओवरनाइट कभी कभी पढ़ने के बाद हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते, हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो 3 घंटे का एग्जाम उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं। जेई का हो तो एडवांस का 2 पेपर होते हैं, मेन 3 घंटे का, नीट भी 3 घंटे का, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम 3 घंटे का। आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाते या इसलिए कॉन्फिडेंटली आप ट्राई नहीं कर पाते हो क्योंकि वहां पे आपके माइंड में 4 ऑप्शन तैर रहे होते हैं और पैरेलली आपके माइंड में आता है कि -1 भी हो सकता है और आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। आपको श्योर होता है यही ऑप्शन है, 70% श्योर होता है, बट आप डरते हो कि यार 30% वाला कहीं सही ना हो जाए और आप गए ना। घर पे ये चीज नहीं होती, घर पे वो क्वेश्चन हो जाता है या घर पे एक इल्यूजन होता है, हमें एक कंफ्यूजन, हमें लगता है ऐसा कि हमसे घर से पे हो जाता है। अरे हम घर पे आंसर आके देख लेते हैं, घर पे सोल्यूशन देख लेते हैं और वो क्लिक कर जाता, हाँ यार तो पढ़ा है मैंने। एक्चुअल में घर पे नहीं होता, ये तो एक पेरेंट को बताने वाली बात होती मैक्सिमम केस में। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल टू नो 100% केसेस, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। आपके केस में नहीं हो सकता, किसी और केस में होगा या आपके केस में होगा। तो यार याद रखना, ये चीज इल्यूजन है हमारे लिए कि एग्जाम में हो जाता नहीं होता, घर पे हो जाता है। ये इल्यूजन है, घर पे भी नहीं होता और घर पे इसलिए हो जाता है हम आंसर देख लेते हैं। एग्जाम में हम श्योर थे कि यही है, बट डर की वजह से हम नहीं कर पाए, 100% श्योर नहीं थे। और ये इसलिए होता है कि हमारी प्रैक्टिस कम होती है, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कम होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं, एक बात बताओ, आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता तो हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको वेक्टर क्लियर नहीं है, आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस कैसे करोगे, कैसे रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम करोगे, कैसे रेन वाटर अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन करोगे? जी पॉसिबल ही नहीं है, थीटा ही निकाल पाओगे। और आप अगर सोचते हो एक्स के बिना उसको पढ़ लेंगे, नहीं संभव है। लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कैसे करोगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं है तो वर्क एनर्जी कैसे निकालोगे? तो ये सारे कनेक्टेड टॉपिक है बेटा, कनेक्टेड है। अगर एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है तो एक भी लेक्चर, एक भी हेडिंग छूटना नहीं चाहिए। और पढ़ना भी है आपको क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट क्लियर। If work is defined like F dot S, तो आपको S पता होना चाहिए, cos theta, theta क्या है पता होना चाहिए, displacement S केवल लिखने से नहीं काम चलता। आपको बोलना होगा displacement S is the displacement of point of contact, point of application of force। यहां पे टीचर का भी रोल आ जाता है। क्वालिटी टीचर आपको होने जरूरी है। बहुत सारे टीचर गलत पढ़ाते हैं, हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में आके उनका डेमो लेते हैं, मैक्सिमम टीचर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। रटा रटाया ऊपरी तौर से पढ़ा देते हैं आपको, जैसे कि आप लोग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ते हो तो मैक्सिमम लोग v को फाइनल स्पीड बोल देते हैं। अरे भैया वो फाइनल स्पीड नहीं है, दैट इज द स्पीड आफ्टर टाइम t। ये आप इमेजिन करो आपके कितने टीचर ने बताया। अगर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है तो u इनिशियल है बट v फाइनल नहीं है, v इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे हर क्लास में हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बातें होती हैं। तो क्वालिटी टीचर चुनना भी बहुत जरूरी है, और क्वालिटी टीचर आपको अगर एक बार मिल जाते हैं फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम इस चैप्टर को क्लियर करें विद द हेल्प ऑफ दैट टीचर। और एग्जामिनेशन में हो नहीं हो रहा, घर पे हो गया तो करोगे क्या? घर पे थोड़े देना एग्जाम। जागिए, इस साल जागिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कुछ भी ऐसा बड़ा काम करना चाह रहे हैं, जागिए और अपना बेस्ट लेके जाइए।
बेस्ट लेके जाइए। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था कि वो बच्चा ट्विटर पे नीट और जेई को कैंसलेशन की कैंपेन में शामिल हो गया, तो मैंने बोला कि तुम्हारा एग्जाम और तुम नीट पे हो, तो उसने पता क्या आंसर किया, उसने किया कि सर क्या आप सोचते हैं कि मैं 24 घंटा पढ़ता रहूं? अरे यार 24 घंटा आप नहीं पढ़ते रहते हो, बट आप सोशल मीडिया एंगेज नहीं हो सकते, बिलीव मी नहीं हो सकते, मल्टीटास्कर अभी मत बनो, मल्टीटास्कर बनना है बनिए, फिर यही होगा कि एग्जामिनेशन में नहीं होगा, घर पे हो जाएगा। टॉप के कॉलेजेस अगर आपको सोचने हैं अपनी लाइफ में, तो आपको फोकस्ड स्टडी करना होगा, हर चैप्टर को क्लियर करना पड़ेगा, 24 ही घंटे होते हैं, मल्टीटास्कर बेटा भी नहीं बन सकते। तो सब में मीडियम परफॉर्म करोगे, किसी में अगर एक्सट्रीम परफॉर्म करना है तो आपको टॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाएंगे, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बिना विद द विदाउट द हेल्प ऑफ आंसर एज वेल एज सॉल्यूशन, देन चेक योरसेल्फ, टाइम फ्रेम में करो, सीटिंग अपनी बढ़ाओ, ये सब अगर होता है तो जरूर आपके एग्जामिनेशन में होंगे और वो सारे क्वेश्चन घर पे भी होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो ये सारा हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।